नेशनल हाईवे फोर लेन टोल टैक्स नाका कुम्हारी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के संरक्षण में निजी कंपनी द्वारा अवैध टोल टैक्स वसूली की जा रही है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने कानूनी सलाहकार सुखवंत सिंह द्वारा जनदर्शन में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से शिकायत की थी, जिस पर दुर्ग कलेक्टर ने एसडीएम धमधा को निर्देश दिया है कि वे दुर्ग आरटीओ और थाना प्रभारी कुम्हारी को साथ लेकर टोल टैक्स नाके की जांच करें। अभी हाल ही में रायपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टोल टैक्स नाके का घेराव कर अवैध वसूली बंद करने की मांग की थी। इस संबंध में वसूली करने वाले निजी सुपरवाइजर का कहना है कि उनकी कंपनी का 26 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष नेशनल हाईवे के संधारण का ठेका है। पूरी वसूली प्रक्रिया को अवैध बताते हुए कलेक्टर दुर्ग सहित पुलिस एवं नेशनल हाईवे के अधिकारियों को दिए गए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि कुम्हारी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली का समय वर्षों पूर्व समाप्त हो गया है। समय समाप्ति के बाद टोल टैक्स वसूली नहीं की जा सकती और वर्तमान में यहां की जा रही है, और यह पूरी वसूली अवैध और आपराधिक कृत्य के समान है। इस संबंध में यह स्पष्ट है कि मेंटेनेंस के नाम पर टोल टैक्स वसूली गैर कानूनी है और नेशनल हाईवे के अधिकारी निजी कंपनी के माध्यम से आम जनता से अवैध वसूली कर रहे हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसे लेकर विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठन ने मांग की है कि अवैध वसूली के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। तत्काल टोल टैक्स वसूली बंद कर उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठनों के द्वारा टोल नाके पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर सुखवंत सिंह ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी है। कुम्हारी टोल नाके पे जो टोल नाका है करीब 2-2.5 साल से बंद है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे हर गाड़ी से वसूली किए जा रहे हैं। पूछने पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते, और अगर रात को इनको कोई गाड़ी वाला विरोध भी करता रात को दिन को तो ये उसे मारपीट करते, सब वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस के नाम पे पैसा ले रहे, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। आप भी यहाँ से नेहरू नगर से लेके नदी तक देखो, कोई रोड नहीं बना, कोई कुछ नहीं, ना इनके पास एम्बुलेंस है, और अगर हम रोकते इनको कुछ बात करते तो हमसे गुंडागर्दी करते हैं, और सब आदमी वहाँ प्राइवेट है। हमको बहुत दिन से पता था, लेकिन कल परसों से हमारे साथ ये घटना कार्य किए, इसलिए हमको इनके खिलाफ़ करना पड़ा। शिकायत अभी मैं इनकी कलेक्टर साहब को जनदर्शन में की, डीजी साहब को की है, और मुख्य अभियंता जो है पीडब्ल्यूडी के उनको किया, और आरटीए ने इनसे जवाब मांगा। कल कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब को और थाना और आरटीओ को बोला भी इसको जांच करके मेरे को इसकी रिपोर्ट दी जाए। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी पहले इसका हो जाए, थोड़ा छत्तीसगढ़ के जितने टोल नाके हैं सबका आरटीए में जानकारी लेके हम उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करवाएंगे। अगर यहां से कार्रवाई नहीं भी करते तो फिर हम हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे। पूरे देश भर में ऐसे कई अवैध टोल टैक्स वसूली के केंद्र हैं, जहां धड़ल्ले से अधिकारियों के संरक्षण में अनाधिकृत लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने अब ट्रांसपोर्ट संगठन जमीनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।